सो दोस्तों, अभी यही वाला होटल से मैं और अजय करके दोनों निकलते हुए जा रहे हैं। अभी देख सकता हूँ हमारा साइकिल व्हीकल सब रेडी हो गया, एकदम पूरा भर लिया है। और अभी जा रहे हैं हम लोग चांदीपुर। अभी हम लोग जा रहे हैं चांदीपुर, यहाँ से तकरीबन 40 किलोमीटर अराउंड है। और अभी अभी टाइम हो रहा है गाइस, 10 बज गया, पूरा पक्का 10 बज चुका है ना, पक्का 10 ना। तो अभी 10 बजे सफ़र शुरू करूँ, तकरीबन 11, 12, 1, 2 3-4 बजे के अंदर पहुंच जाएंगे हम लोग चांदीपुर। तो फिलहाल सफ़र शुरू करते हैं, और ज़्यादा पेस खाली नहीं है, मैं वीडियो अभी तक छोड़ा नहीं है, बहुत दिन हो गया, 2-3 दिन से वीडियो मेरे पास सेव है, अभी तक मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया नेटवर्क प्रॉब्लम के वजह से। तो फिलहाल चांदीपुर पहुँचते, उसके बाद वीडियो बनाएंगे, और 17 मिनट का पेस बाकी है, ज़्यादा वीडियो नहीं बनाएंगे, ठीक है। उधर जाके मेरे सब कुछ करते हैं, फिर वीडियो बनाएंगे। चलो चलते हैं। तो एक बार भोलेनाथ का नाम लेते हुए हम शुरू करेंगे सफ़र। आ गया जय, जय हो भोलेनाथ की, जय हो भोलेनाथ की, जय हो भोले। सो गाइस, देख सकते हो सफ़र हमने शुरू कर चुका है, और अभी जा रहा हूँ, जैसे देख सकते हो एकदम से साइकिल को लहराते हुए जा रहा हूँ। अभी क्या आराम लग रहा है भाई, साइकिल में बैठा हुआ लहराते हुए जा रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया लग रहा है भाई। तो उधर चलते हैं, फिर मिलेंगे आप लोगों से। बोल दो जय भोलेनाथ की, जय भोलेनाथ की, जय भोलेनाथ की, जय। तो सफर गाइस देख सकते हो, सफर शुरू कर चुके इन पहाड़ों के ढलानों से होते हुए। जय हो भोलेनाथ की, जय भोलेनाथ की, भोलेनाथ। फिर से आएंगे और एक जगह पे, फिर से मुलाकात करने जाएंगे, हर एक कण कण में पहुंचेंगे आपके पास, ऐसे ही सफर करते हुए। सिर्फ मेरे व्यूअर्स लोग इतना बता दीजिए थोड़ा बहुत सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि और भी अच्छा लगेगा मेरे को इतना सपोर्ट करेगा। तो गाइस चलते हैं, सफर को जारी रखते हैं हम लोग। गाइस देख सकते हो सफर का शुरुआत अभी कैसे हो रहा है, अभी जस्ट बैग बांध के हम लोग चढ़ा है, और ढलान अभी तक उतरा नहीं आ जाए क्या, बैग ऐसे गिर गया है, देखो। फटाफट ठीक कर ले, हाँ एकदम से बढ़िया वाला, वो पीछे वाला ना भारी वाला हिस्सा है ना, वो तेरे तरफ रख, ठीक है। हाँ इतना अच्छे से बांध, खोलना नहीं मांगता, नहीं तो मैं बांध के दू क्या, नहीं नहीं मैं बांध रहा हूँ, फिर अच्छे से बांध। सो गाइस भाई साहब को देखा, भाई साहब हमसे बात किया और हमसे मिलने भी आया, जैसे देख सकते हो भाई ने भी बहुत ही अच्छा लगा भाई को कि हम लोग साइकिल से आए हैं, यही भाई को बहुत खुश लगा। कलकत्ता से देखा, इतना खूबसूरत लेके आया ना भैया ने, दिखाने के लिए बोला चलो एक गार्डन है दिखाता आप लोगों को, इतना खूबसूरत जगह लग रहा है ना, क्या बोल भाई, बहुत बहुत। और आगे भी बहुत बड़ा भाई का नाम क्या है? मेरा नाम विजय है, विजय नाथ, विजय कुमार नाथ। और मेरा नाम है शंकर चक्रवर्ती, ये है अजय सरन, ये मेरा दोस्त, और आपको भी मिलकर बहुत ही अच्छा लगा, आप भी मेरा दोस्त भी हो गया आज से, ठीक है। हाँ भाई बहुत ही बढ़िया जगह, तो हम लोग थोड़ा सा, ये हमारा अच्छा जगह है, कुछ टेंशन नहीं है, बढ़िया बढ़िया एकदम बढ़िया। इधर हमारा बहुत आदमी आते हैं, क्या ना अभी थोड़ा धूप है, हाँ, आदमी नहीं है, और थोड़ा वो शाम को बहुत आदमी लोग आते हैं, गिरा देंगे, गिरा देंगे, कोई बात नहीं, भोलेनाथ है, सब भोलेनाथ है, कुछ नहीं करेंगे, सब भोलेनाथ है, सब भोले। इतने सारे गाय है देख सकते हो, मतलब खुले मैदान में ना गाय भैंस, हमारे जहाँ वहाँ पे ऐसे रस्सी से बांध के रखते ना, यहाँ पे गाय भैंस को रस्सी से नहीं बांधा जाता है, ऐसे ही खुला छोड़ दिया शहरों में, हमारे गांव में ना रस्सी से बांध के रखते हो ग्वाल में। हाँ ये इस सब जगह में बाहर मैंने देखा बहुत सारा गाय को भाई बाहर ही छोड़ते, लेकिन कोई किधर भी नहीं जाता, इसी झुंड में ही रहते सब जन। तो जगह बहुत बढ़िया लगा, आप देख सकते हो पहाड़ भी इतना कुछ है ना, मन भर गया भाई इधर तो आके। हाँ जय, हाँ आराम करते फिर हम लोग निकलते हैं हमारा सफर पे। तो गाइस जैसे देख सकते हो भाई का साथ मुलाकात किया, और यहाँ से निकलते हुए हम जा रहे हैं अभी देख सकते हो, और भैया ने थोड़ा बहुत भेंट भी हमको चढ़ाया है, तो भैया को बहुत खुश रखे भगवान, और दिल से भी शुक्रिया आपको। तो मिलते हैं अगली बार कभी आए तो, अभी निकलते भैया, जैसे देख सकते हो हम लोग निकल गए साइकिल लेके। तो दोस्तों देख सकते हो हम लोग पहुँच चुके हैं समंदर किनारे, फिलहाल अभी तक, अभी ऐसा समुंदर किनारे का रास्ता है भाई, कहीं का रास्ता है, चांदीपुर जाने का कोई रास्ता है क्या यहाँ से? नहीं ना, अरे गूगल मैप क्या खतरनाक वाला है, वो सामने वाला जो पुलिस का कैंप है ना, वहां से मुझे रास्ता दिखा रहे हैं अभी।
दोस्तों कुछ ऐसा कुछ लोकेशन पे आके पहुंचा हूँ, लोकेशन का नाम नहीं पता, सामने को पूरा समंदर दिख रहा है लेकिन यहाँ से कोई जाने का रास्ता नहीं है हमको। दोस्तों अभी जैसे देख सकते हो कितना पास आ गया समुंदर के, समुंदर के किनारे से होते हुए हम जा रहे हैं। खाना आ जाए, बहुत हवा, क्या खूबसूरत लग रहे हो भाई, क्या खूबसूरत जगह है भाई, देख सकते हो क्या खूबसूरत जगह है। अंकल चांदीपुर बीच कितना किलोमीटर, चांदीपुर बीच कितना और कितना किलोमीटर? हाँ कोलकाता रोस्तु, अच्छा अच्छा धन्यवाद, अच्छा बाय बाय, धन्यवाद धन्यवाद। हाँ ए सामान है, हाँ घूमने के लिए आया, तो कितना खूबसूरत जगह देख सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 10 किलोमीटर बता रहे हैं। फिलहाल चलते हैं, क्या है नहीं देखते जाके, पानी यहाँ तक आ जाता है शायद, उधर तक जहाज वगैरह है। कैसे चला रे भाव, चला है भाई, समय ना है, 8-10 किलोमीटर बाकी आ चाहे हो। ओए पालिए पालिए, ओए कौन है किसी बाबू आए, कितना दूरी पे गया है, अरे बाबरे। तो दोस्तों अभी मैं हूँ, अभी टाइम हो रहा है रात के 12 बज रहे हैं और मैं अभी चांदीपुर बीच में हूँ, और यहाँ से अभी ये वीडियो बनाने का मतलब है। अजय भी है मेरे साथ, हालत कैसा हो गया दोनों का देख, जैसे देख सकते हो। और अभी इस वक्त यहाँ से जो चाँद और सामने जो समंदर दिख रहा है ना मुझे, उसका जो खूबसूरती का जो बयान ना, वो तो मैं सिर्फ आँखों से ही कर सकता हूँ, अभी तो मुँह से नहीं कर सकता। अगर कैमरा अगर दिखाई देता तो आप लोगों को दिखाता था, बहुत ही खूबसूरत लम्हा है गाइस, इसको मैं यूट्यूब में डालूंगा। कुछ नहीं दिखाई दे रहा भाई, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, वो चांद दिखाई दे रहा है देखो। आज पूरी रात चांद देखेंगे, समुंदर देखेंगे, बस सोएंगे इधर, इतना हवा आ रहा है ना खुले में, क्या बोलो। दोस्तों शांतिपुर बीच में है, ये हमारा दूसरा दिन है और सुबह हो चुका, देख सकते हो बहुत ही बेहतरीन सुबह हो गया है, और क्या खूबसूरत लग रहा है देख सकते हो, बीच एकदम पूरा समुंदर ही समुंदर नज़र आ रहा है, पूरा का पूरा समुंदर ही समुंदर नज़र आ रहा है भाई, और सूर्य जो है उदय हो रहा है उस तरह से, और हम जो है बैठे हुए हैं ऐसे, राजे जो है सोया है उधर देख सकते हो, हम भी इधर सोया था साइकिल को रुकवा के। तो ये दूसरा दिन का सुबह हुआ है, थोड़ा सा घूमेंगे फिर दिखा जाएंगे, फिर जो है यहाँ से घर जाएंगे। कल तो भाई पूरी रात हम लोगों ने सो नहीं पाया क्योंकि इतना यहाँ पे गर्मी और मच्छर था ना, इतना मच्छर जिंदगी में कभी नहीं देखा मैंने भाई, क्या बताओ यार। सो दोस्तों अभी सुबह का 7 बज रहे तकरीबन, और मैं यार अजय करके चांदी बीच के अंदर जा रहा हूँ। जैसे हर किसी को पता है, जिनको पता है और जिनको नहीं पता है सभी लोग सुन लो, चांदीपुर एक ऐसा बीच है जो बीच का पानी ना 2 से 3 किलोमीटर अंदर तक चला जाता है, एकदम रात के 10 या 11 बजे तक आता है, उसके पहले नहीं आता, तो पूरा बीच ना ऐसे खाली पीरी सा है और पानी बहुत दूर तक चला गया है। और हम लोग ना ऐसे साइकिल लेते हुए जा रहे हैं अभी अंदर को थोड़ा सा देखने के लिए कि पानी वगैरह सब कुछ और मछली वगैरह सब कुछ पकड़ रहे हैं, क्या खूबसूरत जगह है। बहुत दिन के बाद समुंदर के पास आया भाई, आ गया नहीं अजय?
तेरा मन का ख्वाब तो पूरा हो गया ना। बहुत मस्त है, ऐसे ही पैदल जा रहे हम लोग, देख रहे हो साइकिल को धक्का लगाते हुए, और मोबाइल में ना ज़्यादा ये नहीं है, स्पेस अभी तक खाली नहीं है। कल से तो 17 मिनट तक था और आज अभी तक 7 मिनट 14 सेकंड का है। ज़्यादा वीडियो वगैरह नहीं बनाऊंगा क्योंकि वीडियो अभी तक अपलोड नहीं कर पाया, इसी वजह से देखते क्या होता है नहीं होता है। चलो थोड़ा आ रहा है, आगे जाके देखते कैसा सीन है नहीं है। तो दोस्तों ये रहा चांदीपुर बीच, और बीच का अंदर बहुत आ गया, उधर साइकिल है हमारा, साइकिल उधर है देख सकते हो, और हम जो है समुंदर के इतना अंदर आ चुके हैं और पानी बहुत कम है इधर। तो दोस्तों ये देख सकते हो, ये जेलीफिश, और ये बहुत डेंजर है भाई, इसे हाथ नहीं लगाने का। हाँ, कल रात को जैसे युवा आया था ना, रात 10 बजे से 1 बजे तक उसी टाइम को आया था ये, और अभी इधर गिरा हुआ है, तो हमको जैसे देखने के लिए मिला इसीलिए आप लोगों को दिखाया। हाथ नहीं लगाने का, इसको डंडा वगैरह कुछ होता तो ठीक था। हाँ, ऐसे तो हाथ नहीं लगाने का, ऐसे इससे देखता हूँ। ये देखो पतला पतला सा, ये देखो पतला पतला सा, पाना की है छोटा नहीं, पाना जल्दी भी देख लू ना ना, मैं हाथ धोनी